अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन सीख कबाब की रेसिपी, जो मार्केट जैसे हम भी घर पर आसानी से और बहुत ही टेस्टी बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं मटन सीख कबाब। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने ले ली है एक छोटी प्याज बारीक कटी हुई, 3 हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून पुदीना और 2 टेबलस्पून हरा धनिया। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें सभी चीज़ों को ऐड कर देंगे। अब हमें इसे पीसना है, तो हमें इसे बारीक नहीं करना है या पेस्ट नहीं बनाना है, बस हम इसे धरधरा पीस लेंगे बिना पानी का इस्तेमाल किए। ये देखिए, इस तरह से हमें धरधरा पीस लेना है। यहाँ पर मैंने ले लिया है 500 ग्राम कीमा। कीमे को मैंने मिक्सर में एक दफ़ा ग्राइंड कर लिया था। कीमा वॉश करने के बाद इसे मैंने छन्नी में रखा था ताकि इसमें से पूरा पानी निकल जाए, और ये बिल्कुल रूखा कीमा है। तो अब हम कीमे को करेंगे मैरिनेट। तो मैरिनेशन में हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में ऐड करेंगे जो हमने प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीने को पीस लिया था वो। साथ में ऐड करेंगे आधा नींबू का रस, पाउडर मसाले और नमक। तो नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून लेंगे गरम मसाला पाउडर। तो सभी पाउडर मसाले और नमक हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे भुना हुआ बेसन। तो बेसन को मैंने तवे पर रोस्ट कर लिया था, तो 3 टेबलस्पून हम इस्तेमाल करेंगे भुने हुए बेसन का। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। तो ये देखिए, कीमे में मैंने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी, ताकि जो हमारे सीख कबाब बनेंगे वो रूखे नहीं लगेंगे और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो घी को भी हम मिक्स कर लेंगे। और ये घी को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे आधे घंटे तक इसी तरह से मैरिनेट होने देंगे। आधे घंटे बाद अब हम इसके कबाब बना लेंगे। तो हाथों पर हम तेल लगा लेंगे ताकि कीमा जो है वो हाथों पर चिपके ना। अब हम 2 टेबलस्पून के करीब लेंगे कीमे का बैटर और इस तरह से इसे हाथों से शेप देंगे। यहाँ पर मैंने ले ली है सीख कबाब की स्टिक, तो स्टिक में हम इसे डाल लेंगे और उंगलियों से और इस तरह से प्रेस करते जाएंगे और इसे हम सीख कबाब का शेप दे देंगे। जी देखिए, इसे हमें प्रेस करते जाना है और घुमाते जाना है। तो ये हमने शेप दे दिया है इसे। तो सभी कबाब हमें इसी तरह से बना लेना है। तो हम स्टिक निकाल लेंगे और इसी तरह से सभी कबाब तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है पैन जो हमने गरम करने रखना है। तो बहुत सारे व्यूअर्स ने पूछा था मैं कौन सा पैन यूज़ करती हूँ, तो यहाँ पर ये मैं यूज़ कर रही हूँ प्रेस्टीज का पैन जो नॉन स्टिक है। तो लिंक मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहे तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हम पैन को गरम करने रख देंगे और ये देखिए, कबाब भी हमारे सब तैयार हो चुके हैं। तो पैन गरम होने के बाद हम इस पर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब तेल, और तेल को हम अच्छा गरम होने देंगे। जब तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए तब हम गैस की फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर हम सीख कबाब को फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहे और हर तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो। तो ये हमने ऐड कर दिए पैन में कबाब, ओवर क्राउड हम नहीं करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई करेंगे। जब एक तरफ से हो जाएंगे गोल्डन कलर तक, तब हम इसे इस तरह से पलट लेंगे और सभी तरफ से हम कबाब को फ्राई करेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा फ्राई हो चुका है कबाब। तो हर कबाब को हम इस तरह से पलट लेंगे। और लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देंगे। तो ये देखिए कबाब कितनी अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं हर तरफ से, और ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं, अंदर से भी अच्छी तरह से पक गए हैं। तो आप भी इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें।
तो सभी कबाब हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद हम गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और इसे स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो स्टील के प्लेट में हम ऐड कर देंगे जलता हुआ कोयला। कोयले को अच्छे से गर्म कर लेंगे और कोयले पर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल, घी या बटर और ढक देंगे। और 3 से 4 मिनट तक हम ढक कर इसी तरह से रहने देंगे ताकि कबाब में स्मोकी फ्लेवर आ जाए। तो 3 से 4 मिनट तक मैंने ढक कर रखा था और बहुत ही अच्छा टेस्ट जो है वो कबाब में आ गया है। तो अब हम स्टील की प्लेट निकाल लेंगे और अब हम तैयार करेंगे चटनी। तो आधा कप मैंने लिया है पुदीना, 2 लहसुन की कली, थोड़ा सा ज़ीरा, 2 हरी मिर्च, आधा नींबू का रस और 1 कप लिया है हरा धनिया। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और इन सभी चीज़ों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन की कली, ज़ीरा, साथ में यूज़ करेंगे आधा नींबू का रस। और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे पानी और इसकी चटनी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मटन सीख कबाब के लिए हमारी बहुत ही टेस्टी चटनी भी तैयार है। तो अब हम कबाब को करेंगे सर्व। बिल्कुल मार्केट जैसे और बहुत ही टेस्टी ये मटन सीख कबाब बनकर तैयार होते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो ये हमने प्लेट में इसे कर लिया है सर्व। आप इसे सर्व करें प्याज के साथ, नींबू के साथ, पुदीने, हरे धनिया की चटनी के साथ और पराठे के साथ आप इसे सर्व करें। बहुत ही टेस्टी ये कबाब बनते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।